नमस्कार। जन सरोकार मंच टॉक की इस लाइव प्रस्तुति में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बीकानेर के अक्षय मारू। कवि परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा के बहुत ही जानकार और कबीर की वाणियों को आज हम आपको सुनाएंगे। इस बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करते हैं। आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारी आवाज़ ठीक से आ रही है, ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। मैं डॉक्टर रविंद्र मारू जन सरोकार मंच टॉक की ओर से हमारे बहुत ही अनन्य मित्र अक्षय मारू का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ हैं राहुल भी बीकानेर से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले अक्षय से जानना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है, ये जो एक जुनून है, ये कहां से आपके अंदर शुरू हुआ, किस प्रकार से आपके अंदर चालू हुआ? हमारे दादाजी भी भजन वाणी का शौक रखते थे, उससे और हमारे गुरुजी से हमने जो शिक्षा प्राप्त की, वाणी वगैरह सीखी, और इस वाणी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इसको जीवित रखते हुए हमको ये शौक लगा कि इसको हम जैसे तैसे आगे बढ़ाएं और बहुत ऊंचे स्तर पर इसको ले जाएं। जी, वैसे हमको इसका शौक लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कबीर की वाणी। राम के नाम की छाप निर्वाण और के नाम की छाप सब झूठी। राम का नाम हृदय बिच धर ले, राम के नाम की बांध ले। राम के नाम से सिल्ला तर गई, राम के नाम से सिल्ला तर गई। तैतीसों की बंधन छूटी, कहत कमाल कबीर की लड़की, देखत देखत लंक लूटी। पांच तत्व का बनया ये पिंजरा, भीतर भरिया पिंजरा। Thank you.
क्रांतिकारी संत कबीर, जिन्होंने अपने समय में वाणियों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से इस पूरे समाज में क्रांति फैला दी थी। अक्सर क्या कारण है कि आज भी ये जो वाणियां हैं वो इतने प्रचलन के साथ, इतने शौक के साथ, इतने जुनून के साथ गाई जाती है। वाणी गाने का एक अलग अंदाज है। जो खास बात यह दीकर है कि वाणी परंपरा काम अंतर से शुरू होता है और स्थाई बाद में आता है। भजन की कड़ी पहले बोली जाती है, स्थाई बाद में आती है। और बीकानेर की वाणी गाने की परंपरा एक अलग ही स्थल से गाई जाती है। और जो भी इसके शब्द है वो एकदम निके गुड शब्द इसके हैं।
बहुत से बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं वो अपनी वाणी को फिर अर्थाते भी हैं, जिसको हम अर्थाना कहते हैं, यानी कि अपनी जो पूरा भजन है उसको अपनी ऑडियंस को पूरी तरह से समझाना एक सहज और सरल भाषा में। तो आप अब जो नेक्स्ट भजन गाएं वो ऐसा गाए जो हम अपने ऑडियंस को उसको पूरी तरह से अर्था सकें। हमारी ऑडियंस से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, कृपया हमें बताएं कि हमारी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं आ रही, और जो हमारी ऑडियंस है वो इस पेज को शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों के पेजों पे ये लाइव चल सके। कबीर कुआ एक है पनिहारी न है अनेक, बर्तन सब के न्यारे न्यारे नीर सब में। माता पिता मिल जावसी, बंदा लख 84 मान, गुरु सेवा हरि बंदगी फेर मिले लीना। कबीरदास जी ने इस भजन में केवल भजन में सत्संग रहने का ही बताया है, जैसे Thank you.
छोटे छोटे ऐसे दोहे भी कहे
जो आम जनता के बहुत ही सरलता से सहजता से समझ आ जाते हैं। हम भाई अक्षय से ये गुजारिश करते हैं कि कबीरदास जी के एक कुछ ऐसे दोहे जो बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, वो सुनाएं ताकि सभी ऑडियंस को, सभी लोगों को जो बहुत पॉपुलर रहे हैं, कुछ ऐसे दोहे भी सुनाएं। जरूर। जैसे कभी का दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काबू संग दो सती ना काबू संग बैर। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कुटियन के पास, करेगा सोनर भरेगा तू क्यों भयो उदास। कबीरा जिसको कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कुटियन के पास, करेगा सोनर भरेगा तू क्यों भयो उदास। सोनर जैसा काम करेगा, वैसा कर्म करेगा, वैसा उसको इस मृत्यु लोक में भोगना पड़ेगा। तू क्यों उदास हो रहा है भाई, जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से सही है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, हम रोए हम ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रो। बहुत प्रचलित दुआ है कबीरदास जी का, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, हम रो रहे थे तब संसार आसरा था, खुशी मना रहा था, और आज संसार में आके कुछ ऐसा करके चले जाओ जग रोए फिर हम हसे। कबीर कमाई आपनी कभी न निरफल जाए, सौ कोसा माछी धरे मिले अगाड़ी। कबीर कमाई आपनी कदे न निरफल जाए, सौ कोसा पाछी धरे मिले अगाड़ी आए। ये राम नाम की जो कमाई है, प्रभु नाम की, ये जीवन में कभी न कभी काम आती है। इसको आप 100 कोस भी पीछे रख देते हो, कबीरदास दोहे माध्यम से समझाते हैं, 100 कोस भी पीछे रख देते हो फिर भी आगे आके आप मिलती है हमारे लिए। तो बोलते हैं कबीर कमाई आपनी कभी न निर्फल जाए, इसका फल निर्फल नहीं जाती, कभी न कभी इसका फल जरूर मिलता है। कभी न निर्फल जाए 100 कोसा पाछी धरे, पाछी मतलब पीछे, 100 कोसा पाछी धरे मिले अगाड़ी आए, अगाड़ी बोलते आगे। राम के नाम की छाप निरवान, और के नाम की छाप सब झूठी, राम को नाम हृदय बिच ढल ले, राम के नाम की बांधी। राम के नाम से सिल्ला तर गई, 3300 की वंदन छूटी, कहत कमाल कबीर की लड़की, देखत देखत लंक सी। कबीरदास की लड़की कमाली, उनकी बुद्धि रूपी बेटी बोल दो, वो बोलती है राम के नाम की छाप निर्वाण, और के नाम की छाप सब झूठी, राम का नाम हृदय बीच धर ले, राम के नाम की बांध ले मुट्ठी, जो कुछ है वो राम का नाम है। राम के नाम से सिल्ला तर गई, भगवान ने जब समुद्र पार किया तो
तो राम के नाम से पत्थर बितर गए, राम के नाम से सिल्ला कर गई, 3300 की वंदन छूटी, फिर 33 करोड़ दे दिए, तब किसी की भी आवश्यकता नहीं है, सबकी वंदन नहीं करो। 3300 की वंदन छूटी, कहत कमाल कबीर की लड़की, देखत देखत लंक सी रूटी, लंक यहाँ पे लंक शब्द का रावण का विमान है ना कि लंका है, कुछ लोग लंका बोल देते हैं लेकिन वो लंका नहीं है, लंक रावण का विमान उसका मैं गौर भगवान ने रखा था ना कि लंका, लंका तो रामचंद्र जी ने वही बोला। किकर सभी को खा गया, किकर सभी की पीर, किकर की जो माफी करे उसका नाम हद तपे सो अवलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। कबीरदास जी बोलते हैं फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी की पी, फिकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फिकर एक शब्द का अर्थ है सोच, टेंशन। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी की पी, पीर बोलते दर्द, फिकर सभी की पी, फिकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फाकी किसी चीज को ग्रहण करना। फिर बोलते हैं हद तपे सो अवलिया, अवलिया संत महापुरुष महात्मा अलग, फकीर अलग, अवलिया एक शब्द अलग है। हद तपे सो अवलिया, बेहद तपे सो पी, बेहद जिसकी की कोई हद नहीं है, बेहद तपे सो पी, और हद बेहद दोनों तपे, हद से भी पर बेहद से भी पर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। कबीरदास जी पवन उड़ान, अब के बिछड़े कब मिले कि भाई दूर पड़े गे। तो हमारे ऑडियंस ने सुना, कबीर ने बहुत सरल और सहज भाषा में भी बहुत सुंदर बातें कही हैं जो जीवन के उन पहलुओं के लिए हैं, जीवन में मस्त रहने के लिए है। हम आज के इस कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हम अक्षय से बस ये गुजारिश करते हैं कि एक और अंतिम हमें वाणी और सुनाए, जिससे हम प्रोग्राम को लगभग अंत तक पहुंचा सकें। कबीरदास जी की वाणी है, अपनी भाषा में हेली बोलते हैं उसको, हेली भजन का मुख्य बोल है। मैं तो पूरवियो पूरव देश रो मारी हेली, बोली मारी लखी न जाए जे मारी बोली लखे मारी हेली। हेली का शब्द है पूरवियो पूरव देश रो मारी हेली।
समाप्त होती हुई दुर्लभ इस विधा को क्यों नहीं बचाने में लग रहे हैं? उनका शॉर्टली जवाब वही रहता है, बोलते हैं ये सब आप लोग जो भी गाते हो हमको समझ नहीं आता।
सीधा सीधा वो सरल भजन होता है जो आजकल के जो भजन चलते हैं वो सब वो लोग सुनते हैं। ये भजन गुर भजन है, इनका बहुत क्लिष्ट है, इनको समझ नहीं आते, फिर बोलते इनका शॉर्टली जवाब यही है कि हमको समझ नहीं आता। ये आप बहुत पुराने जमाने की परंपरा को लेके चले हो, कुछ आगे नए तरीके से नया कुछ करो, वैसे करके छोड़ देते हैं हम। जैसे तैसे भी इसको बचाने में लगे हुए हैं, जैसे हमने हमारे गुरु जी से सीखा, बीकानेर की बहुत नाम से नस्ती शिवजी सुथार कलाकार जी, हमारे गुरु जी, हमने उनसे सीखा, तो उनका भी यही कहना है जैसे जब तक हो सके इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, इसको बचाओ। आप जो भी ये वाणी वगैरह गाते हो इसको समझो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझाओ। जहाँ भी कोई भी गाते हो तो इसका अर्थ करो, जैसे कि उनको दिमाग में बैठे, उनको समझ आए कि ये जो भी गाए हैं उनका अर्थ ये है, जिससे उनको सरल भाषा में समझ आ सके। अब ज़्यादा उसको घुमा के बताओगे तो जल्दी से दिमाग में नहीं समझ आ सकती। कहीं इसका एक कारण ये तो नहीं कि इसमें पैसा बहुत कम है, चकाचौंध कम है, ग्लैमर कम है, फिल्मों में ये भजन नहीं है, कहीं ये भी कुछ कारण है शायद? कुछ ना कुछ ये कारण है। वैसे पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज तो जो भी प्रोफेशनल कलाकार है सब पैसे लेके गाते हैं, पैसे मिलते हैं पर लोगों को समझने की बात है। खैर, बीकानेर की इस बहुत ही यूनिक और बहुत समृद्ध परंपरा को बचाए रखने के लिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा साथी कलाकार अक्षय और राहुल का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस मानव समाज की ओर से, हम सब की ओर से, मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय जन सरोकार मंच टॉक के लिए निकाला। यह मंच हमेशा से अच्छे कलाकारों को एक अच्छा स्टेज देने के लिए बनाया गया है, और आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम मिलते रहेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक खुदा हाफिज़, जय हिंद।